एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है, जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है। और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है, मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा, तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं और वो भी इतने प्रकार के, बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उनपे बहुत आम आए हैं, अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी, मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ, ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगनबली आम, चित्तूर के आम, नूजी वीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ, लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, एक डजन बंगनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी,
ठीक है, एक डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है।